नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक ओर जहां कोरोना के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों से डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। डेंगू के बढ़ते ग्राफ ने लोगों के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को भी बढ़ाकर रख दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के बाद डेंगू का डंक, डेंगू के बढ़ते प्रकोप ने बढ़ाई चिंता। लगातार बढ़ रहा है डेंगू का ग्राफ। कोरोना खतरा अभी थमा भी नहीं है कि अब डेंगू भी अपना कहर बरपाने लगा है। बीते कई दिनों से डेंगू के बढ़ते ग्राफ ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। लगातार मामलों की बढ़ोतरी ने चिंता तो बढ़ाई है, और वहीं अंबाला में अब तक डेंगू के 22 मरीज मिले हैं, जिनमें से 7 एक्टिव केस हैं। गनीमत ये है कि सभी मरीज अपने घर पर ही ठीक हालात में हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अंबाला के सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई बार पत्र लिखने के बावजूद भी अब तक निगम की ओर से शहर में फॉगिंग शुरू नहीं करवाई गई। देखिए, रोकथाम के लिए आपको पता है हमने पहले 50 ब्रीडिंग चेकर लगा रखे हैं, और 6000 से ऊपर हम अब तक हम नोटिस दे चुके हैं, और नोटिस के बाद भी अगर लोग नहीं चले समझे तो उन घरों में दोबारा जाएंगे जब उनका चालान करेंगे, और ये नोटिस उन्हीं घरों को दिए गए हैं जहाँ पे लार्वा मिले हैं हमारे को। आइए अब आपको डेंगू से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियाँ देती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेंगू क्या है और कैसे फैलता है। क्या है डेंगू? डेंगू मच्छर के काटने से पहले कई तरह की कमजोरियां आने लगती हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू 10 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन 10 दिनों में जान का खतरा बना रहता है। डेंगू का गंभीर रूप जान भी ले सकता है। डेंगू का कोई अलग या खास उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षणों को पहचान कर ही इस पर काबू पा सकते हैं। तो देखा आपने अंबाला में डेंगू का बढ़ता ग्राफ, उधर फरीदाबाद में भी डेंगू के बढ़ते मामलों ने विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल अब तक डेंगू के कुल 91 मामले सामने आ चुके हैं, और मलेरिया के भी 7 मामले मिले हैं। मामले बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एंटी लार्वा एक्टिविटी को बढ़ा दिया है। आइए अब आपको डेंगू के लक्षण बताते हैं। डेंगू के हल्के लक्षण, डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिनों के अंदर नजर आते हैं। तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी होती है, जी मिचलाने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है, त्वचा पर लाल चकत्ते बनते हैं, ग्लैंडस में सूजन होने लगती है। सिर्फ अंबाला और फरीदाबाद में ही नहीं, बल्कि साइबर सिटी गुरुग्राम में भी डेंगू के 23 नए मामले मिले हैं। उधर 4000 घरों की जांच भी की गई है, जबकि 2000 लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई है। बता दें कि डेंगू के लिए 13 हॉटस्पॉट सेंटर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में भी अब तक डेंगू के 16 नए मामले सामने आ चुके हैं। खासकर बारिश के बाद जो पानी ठहर जाता है वो भी चिंता का विषय है, क्योंकि साफ और रुके हुए पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि डेंगू से बचाव के किन तरीकों को अपनाया जा सकता है। डेंगू से बचाव, खुद को मच्छरों से बचाकर के दरवाजे बिना जमा होने देना, पानी को हर वक्त ढक कर रखें, पानी की टंकी और कूलर के पानी को बदलते रहना, बारिश के मौसम में पूरे कपड़े पहनना। बारिश के बाद रुके हुए जगह जगह जमा हुए पानी से डेंगू का खतरा बढ़ गया है। देखा गया है कि कई कई दिनों तक बारिश का पानी जमा रहता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन अपने घरों और आसपास के रुके हुए पानी को साफ करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और डेंगू को सतर्कता साथी जिम्मेदारी के साथ रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो डेंगू की मार किस तरह से पूरे प्रदेश के लिए बहुत घातक और हानिकारक साबित हो सकती है, यह आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा।
लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो क्या कुछ तैयारियां कर रहा है इस डेंगू से निपटने के लिए, ये जानने का प्रयास करते हैं। अजय मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, जो ग्राउंड जीरो की स्थिति है वो क्या कुछ कहती है? डेंगू इस मौसम में अपने पांव पसारता ही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो कितना मुस्तैद है इस खतरे को निष्क्रिय करने के लिए? केशव, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब रेनी सीजन निकलता है उसके बाद जो मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो फैलती हैं। फतेहाबाद के अंदर अगर हम बात करें, फतेहाबाद में इस वक्त तक डेंगू के जो है 16 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं और एक मामला जो है चिकनगुनिया का और एक मलेरिया का भी रिपोर्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं यहां बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जिस तेजी से डेंगू फैल रहा है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो जरूर बनता है। साथ ही जो अभी कोरोना जो है पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अलग अलग स्टेजेस पे स्वास्थ्य विभाग को अलग अलग मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। हालांकि जो एपिडेमिक विंग है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि किसी तरह से डेंगू के लार्वा को समय रहते नष्ट किया जा सके ताकि डेंगू जो है सेपरेट ना हो। तो लेकिन जो अभी रेनी सीजन बीता है तो वहां वाटर लॉगिंग बड़े पैमाने पर खासकर ग्रामीण इलाकों के अंदर हुआ हुआ है, तो वहां पर भी केसेस आने शुरू हो चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल की बात करें, सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो गवर्नमेंट सेटअप है 16 मामले ट्रेस हुए हैं, 16 वो मामले हैं जो सामने आ गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बड़े पैमाने पर वायरल डेंगू ऐसे जो पेशेंट हैं वो एडमिट पड़े हुए हैं। तो एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, किसी तरह से जो डेंगू है अगर ये भी फैल जाता है और लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। केशव, क्या जिलों के अस्पताल तैयार हैं डेंगू के मरीजों को लेने के लिए, उनका इलाज करने के लिए? देखिए केशव, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की और जिला प्रशासन के दावों की बात करें तो जिला प्रशासन लगातार इस बात को दावा करता आ रहा है कि फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं डेंगू को लेकर के उसको पूरा कर लिया गया है। दवाएं पर्याप्त मात्रा में यहां उपलब्ध हैं, स्टाफ उपलब्ध है, लेकिन जो अब स्थिति है वो हमेशा जब किसी भी बीमारी को देखते हैं हम फैलती है उसके बाद स्थिति स्पष्ट होती है कि जो दावों में कितनी सच्चाई है, दावों के अनुरूप क्या वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। लेकिन जो आज के दावे हैं, स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है यहाँ बेड पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, प्लेटलेट्स की, खासकर जब डेंगू फैलता है तो प्लेटलेट्स की डिमांड बढ़ती है क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं डेंगू फीवर के अंदर। ऐसे में प्लेटलेट्स की डिमांड लगातार बढ़ती है, तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि प्लेटलेट्स की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जी केशव, ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, नजर बनाकर रखिए। तो डेंगू जो है वो किस तरह से खतरनाक और घातक साबित हो सकता है उसकी तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग अभी से बरत रहा है। इस बीच हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थितियों का जायजा भी लिया है, आपको वो भी दिखाते हैं। के मामले अभी थमे ही नहीं थे कि अब बरसात के सीजन के बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। जिले के अंदर लगातार डेंगू के केस देखे जा रहे हैं। पिछले एक महीने के अंदर फतेहाबाद जिले के अंदर लगभग 14 केस डेंगू के सामने आए हैं, जबकि इस सीजन में अब तक 16 केस सामने आ चुके हैं। लगातार डेंगू के बढ़ते केसों की वजह से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। लगातार शहर के अंदर डेंगू से पीड़ित लोगों के समाचार सामने आ रहे हैं। नागरिक अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या के अंदर जो है पेशेंट डेंगू से ग्रस्त, बुखार से ग्रस्त, वायरल से ग्रस्त जो है लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर लोगों की जो है चिंताएं बढ़ना वाजिब है। साथ में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो है स्थिति पर नजर रखे हुए है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की अभी माने तो स्थिति नियंत्रण में है, किसी प्रकार का पैनिक नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से डेंगू के केस बढ़ रहे हैं उससे देख कर लगता है कि जो चिंताएं हैं वो वाजिब हैं, क्योंकि बरसात का सीजन अभी अभी बीता है और बरसात के बाद जो वाटर लॉगिंग जगह जगह हो चुकी है, ऐसे में मच्छर जो है वहां पनपता है जहां पानी रुका हुआ होता है, साफ पानी होता है, तो ऐसे में लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय तो जरूर बना हुआ है, क्योंकि पानी जब तक निकासी नहीं होगी तो मच्छर को पनपने का जगह मिलेगी और ऐसे में डेंगू की जो है आशंकाएं बढ़ जाएंगी।
स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है सर्वे भी कर रहा है और लगातार लोगों के घर जाकर के डेंगू का अगर कहीं लार्वा मिल रहा है तो उसे नष्ट भी किया जा रहा है। अब तक एक मोटे आंकड़े के अनुसार 1000 से अधिक लोगों के घर जो है यहाँ डेंगू का लार्वा मिल चुका है और वहाँ उन्हें नोटिस भी दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति सामने ना आए जिससे डेंगू जो है बड़े पैमाने पर फैले। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता। क्या कुछ हाल है और दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ सूरत है डेंगू की वो भी जानते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। राजा, आपसे फरीदाबाद और एनसीआर के आसपास के इलाकों की ग्राउंड रियलिटी पहले जानना चाहेंगे, क्या कुछ हालात है डेंगू को देखते हुए और स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है इस खतरे से निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए केशव साहब, तो जिस तरीके से फरीदाबाद की बात करें, 91 यानी कि 91 केस डेंगू के कहीं ना कहीं सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 5 केस डेंगू के सामने आए हैं। साफ तौर पर पूरे फरीदाबाद की बात करें, स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। तमाम जो लोकेशन की बात करें, यहाँ पर जलभराव देखने को मिलता है। जिन जिन घरों में पानी कहीं ना कहीं जमा है, उन सभी घरों को नोटिस कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दे रहे हैं। काफी ज्यादा एक्टिव जरूर नजर आ रहे हैं, पर वहीं चाहे बादशाह खान अस्पताल की बात करें, बलंगड़ सिविल अस्पताल की बात करें, ओपीडी में काफी ज्यादा भीड़ है। यानी कि लोगों को हल्के से बुखार कहीं ना कहीं आने के कारण काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, एसएमओ साहब मौजूद है। सर, किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करेंगे कि लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम है, थोड़ा सा बुखार होता है, भागते हैं कहीं डेंगू ना हो, हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो? सर, किस तरीके की तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्योंकि ओवरऑल फरीदाबाद की बात करें या फिर बल्लमगढ़ की बात करें, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। सर, बल्लमगढ़ के तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो विजिट जरूर कर रहे हैं, लगातार लोगों को नोटिस दे रहे हैं, जहाँ लार्वा कहीं ना कहीं मिल रहा है, पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है। तो आप लोग आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम है करवट ले रहा है, लगातार बारिश हो रही है? लोगों को जागरूक किस तरह, ये जिस तरीके से लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग? राजा, मुझे लगता है कुछ कुछ आवाज का कुछ इश्यू है, हम डॉक्टर साहब को ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार टेक्निकल चेक करने के बाद मैं दोबारा वापस आप तक लौटता हूं। तब तक आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो तैयार है और हॉस्पिटल्स में जाकर किस तरह से चीजों को जो है वो अभी से ठीक किया जा रहा है, ताकि कल को अगर परिस्थितियां और भी विकट होती हैं, अगर डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगती है तो अस्पताल ओपीडी कितनी तैयार रहेंगी तमाम डेंगू के पेशेंट्स को जो है उनका इलाज करने के लिए? क्या बेड्स की उपलब्धता होगी, क्या दवाओं की उपलब्धता होगी, क्या डॉक्टर्स की और प्लेटलेट्स की भी उपलब्धता होगी? तो अभी से उसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू की गई हैं। इसके अलावा सर्वेइंग का काम लगातार किया जा रहा है, सैंपल कलेक्शन का काम लगातार डोर टू डोर जाकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जहां भी पानी जमा है वहां पर लार्वा न पनपे, इसके लिए वहां पर तेल या और कोई ऐसा केमिकल डालकर उन्हें भी न्यूट्रलाइज करने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इतना सब किए जाने के, अलर्ट के रहने के, मामले जो हैं वो वृद्धि लगातार प्रदेश में डेंगू के कर रहे हैं, जो कि एक चिंता की बात है। और ये डेंगू बहुत ज्यादा खतरनाक प्रदेशवासियों के लिए ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास जो है सरकारों और प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। बकायदा हॉस्पिटल्स में अलग से डेंगू वार्ड की स्थापना की गई है, अलग से बेड्स वहां पर व्यवस्था की गई है। हालांकि 10 दिनों तक ही बुखार रहता है डेंगू का, लेकिन 10 दिनों में ही ब्रेक बोन फीवर इसे कहा जाता है, जो कि हड्डियों को तोड़ सकता है।
और डॉक्टर पंकज वत्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से सर ये पूरी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, सबसे पहला तो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इनिशियल स्टेप स्वास्थ्य विभाग को लेना चाहिए, क्या वो लिया जा रहा है, और क्या जो लिया जा रहा है अगर तो वो काफी है इसे रोकने के लिए? डॉक्टर वत्स, देखो सबसे पहले तो मैं आपके आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन जो है वो जनता को जागरूक कर रहा है, उसमें एक अहम भूमिका जो है वो आपका चैनल जो है हमारे सब लोगों के माध्यम से लाखों लोगों को जागरूक कर रहा है। तो आप लोगों को साधुवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे न जाने कितने लोग सावधानियां आप बरतेंगे यहाँ आपके चैनल के माध्यम से सुनते हुए, और कितने लोग डेंगू के ना होने से बचेंगे। जहां तक आपने कहा तैयारियां करने की बात है, स्वाभाविक रूप से सबको आज की तारीख में मालूम है कि जो है मच्छर के थ्रू जो है ये फैलता है, और इसलिए अब सब पूरा जोर जो है वो विभाग का भी, स्वास्थ्य विभाग का भी इसी बात पर रहता है कि किसी तरीके से जो लार्वा है उसको उसी स्टेज में, जो लार्वा से मच्छर बड़ा एडल्ट मच्छर बनता है, तो लार्वा को ही किसी तरीके से उसके जनन को रोका जाए और उसकी बढ़ोतरी को रोका जाए, इस सबके प्रयास होते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें, एक है स्वास्थ्य विभाग, एक है जन स्वास्थ्य विभाग जी। तो जहाँ स्वास्थ्य विभाग है उसका काम जो है वो इलाज करना है। हाँ ये जरूर है कि उसका एक मलेरिया विभाग रहता है, वो जनता में जाकर उनको शिक्षित करना और वहां से लार्वा के बारे में टेस्टिंग करना भी कहाँ का लार्वा उपस्थित है, और उसके बाद जो है जन स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इन दिनों में जो कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने दें। अब मजे की बात यह है कि हम लोग सोचते हैं कि गंदे पानी में ये लार्वा पैदा होता है, पर ये डेंगू का जो वो लार्वा है ये शुद्ध पानी में पैदा होता है। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके घर में जहां पर भी पानी खुला है वहां पर ये लार्वा पैदा हो सकता है। आपके छत पर पड़े हुए टायरों में हो सकता है, कहीं ईंटों से कोई चीज आपने बना के छोड़ दी वहां पर हो सकता है, पक्षियों को जो पानी देते हैं वहां पे अगर उसको नहीं बदला समय समय पे तो वहां पर हो सकता है, आपके पेड़ गमलों के अंदर हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको जगह जगह आप देखेंगे आपके आस पड़ोस में जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है वहीं पर ये लार्वा पैदा होने की मतलब गुंजाइश हो जाती है। इससे सबसे बड़ी सावधानी, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे जनता जनार्दन है, हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा होना है तो तुरंत उसके कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करें जिससे वहां पर लार्वा पैदा ना हो सके, निश्चित तौर पर। लेकिन सर अगर सिचुएशन जो है अब मान लीजिए थोड़ी सी और भी खतरनाक हो जाती है, लेकिन तो उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ तो कोविड, दूसरी तरफ डेंगू, और दोनों ही जानलेवा बीमारी। देखिए एक बात ध्यान रखें कि कोविड तो चलो दो साल से लोगों को तंग कर रहा है, लेकिन डेंगू तो हम काफी सालों से झेल रहे हैं, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पैनिक होते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं इसको, इसके ट्रबल को बढ़ने के। जी जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक सावधानी रखें। एक और मजे की बात है कि ये दिन में काटता है मच्छर। जी। आप सुबह लॉन में बैठे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप दिन के समय में कहीं खुला अपने दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं आप ये सोच के दिन का समय है, तो ऐसे समय में ही मॉस्किटो जो है वो आपको घातक साबित होता है। दूसरा ये कि जो बुखार होता है तो शुरू में आप बुखार, डेंगू, मलेरिया, वायरल, साथ में आपके कोविड, ये बहुत सारे तरह के फीवर्स हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने स्तर पर, और इनके आपस में साइन सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते हैं, आम व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा है कि नहीं है। इसलिए आप एक दो दिन बेशक इंतजार करें, आप पैरासीटामोल की टेबलेट लेके इंतजार मतलब कर सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद अपने निकटतम जो भी आपको सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां पे आप डॉक्टर से अपनी जांच जरूर करा लें। कई लोग मलेरिया की गोली है वो पहले ले लेते हैं और जांच बाद में कराने जाते हैं जी। तो मेरा निवेदन है कि मलेरिया की गोली भी पहले ब्लड स्लाइड बननी है और उसके बाद दवाई खानी है, ताकि ऐसा ना हो कि वो दवाई खाने से थोड़ी देर के लिए मलेरिया उस स्लाइड में आए नहीं और फिर आपको बाद में घातक साबित हो। तो इसलिए जांच कराना बहुत जरूरी है। अब एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि ये प्लेटलेट जो डाउन हो रही हैं, तो हम थोड़ी सी प्लेटलेट डाउन होते ही घबरा जाते हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च आ गई है
उसमें प्लेटलेट डाउन होना कोई खास खतरे की बात नहीं है, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है जी। मतलब इवन अगर 10,000 तक भी हो जाती हैं तब भी वो कह रहे हैं कि उस समय चिंता का विषय है। तो रूटीन में फीवर में या हम एंटीबॉडीज खाते हैं या दवाइयों के असर से प्लेटलेट डाउन आ जाती हैं एक बार, तो उसका तरीका यह है कि आप एक दो दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिर आप प्लेटलेट्स काउंट कराएं और देखेंगे नीचे की तरफ जा रही है कि वापस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब, कोई घरेलू नुस्खे कोई घरेलू नुस्खे इलाज के लायक है, कोई घरेलू नुस्खे इन प्लेटलेट्स को ठीक करने के लिए? कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, अगर कोई बताता है तो गलत है जी। नहीं, कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, बताता है तो गलत बताता है, आप उसकी तरफ ध्यान ना दें। स्वाभाविक रूप से ये जो है डेंगू और ये आपके पता है कि किस कारण से होते हैं, सबको मालूम है। जी जी। मच्छर के काटने से जो वो जो उनमें कीटाणु होते हैं वो पनपने शुरू हो जाते हैं, उसके रिजल्ट से बुखार आता है, बाकी चीजें होती है। केवल डेंगू में ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको ये देखना है कि आपके शरीर में कहीं कोई ब्लीडिंग ना हो, कोई नाक से ब्लड ना आए, कहीं पे मुंह में, कहीं और आपको शरीर में आपके छत्ते ना नजर आए ब्लड के। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है कहीं पे भी, कोई स्थान नहीं है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको सिंपल बुखार की तरह इसका इलाज कराइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव, अपनी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।